हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज जो है मैं बात करने जा रही हूँ राइट पोस्चर इन प्रेगनेंसी, यानी कि हमें जो है प्रेगनेंसी में किस तरीके से सही ढंग से चलना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, सोना चाहिए। और क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये क्वेरीज रहती हैं कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट होने की सोचती हैं कंसीव करने की, तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आपका जो है प्रेगनेंसी में पोस्चर सही नहीं है तो उससे जो है आपको और आपके बेबी को काफ़ी सारी जो है समस्याएँ होती है। और वहीं पर आपका अगर पोस्चर बिल्कुल राइट है, आप सही तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो आपकी जो है पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, स्मूथ रहती है और साथ ही सेफ रहती है। और आपका बच्चा जो है हेल्दी एंड हैप्पी होता है। आप भी जो है ये सारी जो समस्याएं आती हैं, जैसे हमारे जो है हमें एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है या बैक पेन होता है, तो उससे जो है आप लोगों को भी छुटकारा मिल सकता है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी में किस तरह से सही तरीके से बैठती हूँ, उठती हूँ, सोती हूँ, चलती हूँ, तो आज मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जब हमारा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तो हमारा जो टमी है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, पर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है हमारा बेबी बम पूरा अपना जो है आकार ले लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं जो है प्रेगनेंसी में कैसे सोती हूँ, राइट पोस्चर इन स्लीपिंग इन प्रेगनेंसी। तो पहले जो है आप बहुत धीरे से आराम से इस तरह से बैठ जाइए। और ये देखिए, इस ये मेरा पिलो है। तो पहले आप इस तरह से अपने हैंड को रख लीजिए, इनका सहारा ले लीजिए, थोड़ा पुश कीजिए गद्दे को, और आपके जो दोनों लेग्स हैं उनको बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से आप रख लीजिए। फिर आपके जो हैंड हैं उनसे थोड़ा सा आप इस तरह से पीछे हो जाइए, और आपको कैसे लेटना है तो थोड़ा सा आप अपने को टिल कर लीजिए इस तरह से। और ये देखिए, एक मेरा जो हाथ है वो इस तरह से है, और आपको जो है इस तरह से इस हाथ को रखना है, और ये वाला हाथ जो है कोहनी को इस तरह से रखना है। और फिर जो है आप अपने पिलो को जैसे भी रखना चाहते हैं ऐसे रख के, और फिर जो है इस तरह से लेट जाइए। तो आपको जो है फ्रेंड्स, ये मैं जो है राइट साइड लेटी हूँ क्योंकि मेरे कैमरे में नहीं आता, पर प्रेगनेंसी में जो है सबसे अच्छा जो पोस्चर माना जाता है लेटने का, वो माना जाता है लेफ्ट साइड। तो इस तरह से आप लेट सकते हैं, मैं राइट साइड हूँ। और देखिए, अगर आपको करवट बदलनी है तो इस तरह से आप करवट बदल सकते हैं। अपने हाथों को थोड़ा सा इस तरह से सपोर्ट कीजिए, और फिर से जो है इस तरह से कोहनी मोड़ते हुए इस तरह से आप करवट ले सकते हैं। पीठ के बल, जो पीठ के बल सोते हैं ना हम, वो नहीं सोना है और ना ही पेट के बल सोना है। उससे आपके बच्चे को बहुत सारी चीजों की दिक्कत आ सकती है, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, साथ ही ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होती है। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, पेट के बल और पीठ के बल बिल्कुल भी ना सोएं। फ्रेंड्स, आपका जैसे टमी काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी थर्ड ट्राइमेस्टर आपका चल रहा है, तो अगर आपको सोने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इस तरह से एक पिलो ले लीजिए और अपने पैरों के बीच में इस तरह से उसे रख सकते हैं। और आपका जो ये टमी एरिया है उसको भी थोड़ा सा आप इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपके टमी पे जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो एक तकिया अलग से, जैसे मान लीजिए मैं इसको तो पैरों के बीच में रख लेती हूँ, और एक और पिलो या कुशन ले लेती हूँ और उसको इस तरह से, देखिए ये थोड़ा बड़ा है, आप छोटा पिलो ले सकते हैं, और इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से जो है आप आराम से सो सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में अच्छे से नींद नहीं आती, पैरों में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, और आपका जो है टमी भी जो है इसको सपोर्ट मिलता रहेगा पिलो से। तो इस तरह से आप जो है सो सकते हैं। और एक जो पिलो है वो आप अपने बैक साइड में भी लगाएं इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे ना तो आपको बैक में दर्द नहीं होगा। और प्रेगनेंसी पिलो आजकल चल रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, बाजार में काफ़ी उपलब्ध हैं। तो इससे क्या है, अगर आप पीछे भी लगाएंगे ना तो आपकी जो करवट है वो आपने लेफ्ट साइड ले रखी है,
तो वो आपके चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत मदर्स की दिक्कत रहती है कि हम सोते तो लेफ्ट साइड में हैं, पर जब हम उठते हैं तो हम या तो राइट साइड में होते हैं हमारी करवट, या फिर हम सीधे हो जाते हैं। तो वो क्या है कि उनकी दिक्कत नहीं है। देखिए होता ही है, नींदों में हमें पता नहीं चल पाता। तो अगर आपका पिलो ऐसे, आप देखिए मान लीजिए मैंने पिलो लगा रखा है और मैं लेफ्ट साइड में सो रही हूँ, ठीक है, और अगर मुझे नींद में ऐसे चेंज होना है तो ये पिलो जो है मुझे चेंज नहीं होने देगा। थोड़ा सा टिल जरूर हो पाऊंगी मैं, है ना, पर बिल्कुल जो है मेरा पोस्चर पूरी तरह से चेंज नहीं होगा, और बैक में भी जो है काफी कंफर्टेबल लगता है। तो आप इस तरह से जो है सो सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा सोने का राइट पोस्चर, और अब हमें सोते हुए उठना कैसे है वो भी, हमें राइट तरीके से उठना चाहिए, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जैसे इधर ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो मैं ऐसे मुड़ूंगी, इस तरह से, और जैसे हम लोग सोए थे वैसे ही जो है मुझे उठना है। एक कोहनी में मोड़ूंगी इस तरह से, और हल्का सा पुश करूंगी बेड को इस हाथ से, इस तरह से, और अपना जो अपर हिस्सा है नीचे वाला उसको बहुत धीरे धीरे आराम से जो है इस तरह से मैं नीचे कर लूंगी। और फिर जो है अपने हाथों को अपनी थाइस पे रखूंगी, इस तरह से थाइस पे अपने हाथ रखूंगी, या आप चाहें तो बेड पे भी रख सकते हैं और थाइस पे भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे मैं आगे आ जाऊंगी अभी, तो आप चाहें तो इस तरह से बहुत धीरे से आपको ऐसे खड़े हो जाना है, देखिए। और अगर थाइस पे है तो आप देखिए इस तरह से थाइस पे अपने हाथ रखिए आराम से, और झटका आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से जो है आपको उठना है इस तरह से, ये देखिए। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में सही पोस्चर में किस तरह से जो है हमें बैठना चाहिए। तो पहले मैं आपको बेड पे बताती हूँ बैठना, बेड पे कैसे बैठते हैं, क्योंकि बेड पे बैठ के भी हम काफी सारे काम जो है अपने करते हैं, टीवी देखना है, बुक्स पढ़ना है, और भी कई काम है। तो ये देखिए वैसे ही बैठना है आराम से, बिल्कुल जो है आप कंफर्टेबल, बिल्कुल धीरे से आराम से बैठ जाइए। और उसी स्थिति में आपको जो है इधर हाथ लगाना है और धीरे से अपने पैरों को रखना है। अब हमें आना है पीछे, तो पीछे वही मैं ऐसे आऊंगी, और पिलो आप लगा लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो है पिलो लगा लीजिए, जैसे आप बैठ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ सकते हैं तो स्ट्रेट बैठ सकते हैं ऐसे बिना पिलो के। अब देखिए मैंने कोई पिलो नहीं लगा रखा है, और पैरों को जो है थोड़ा सा आप इस तरह से खोल सकते हैं, जिससे कि आपका टमी जो है अपने आराम से रहे और इस पे कोई प्रेशर ना पड़े। क्योंकि अगर आप ऐसे भींच के रखोगे ना पैरों को, तो देखिए ये जो है यहाँ से भींच रहा है आपका टमी। तो आराम से जो है इस तरह से बैठ सकते हैं, साथ ही जो है आप इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं स्ट्रेट। अगर आपको बैठना है तो जो हमारी बटरफ्लाई आसन होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, प्रेगनेंसी के लिए भी, तो इस तरह से भी जो है आप बैठ सकते हैं, आराम से अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी थकावट हो रही है या आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है पिलो लगा सकते हैं। पिलो लगा के आप एक पिलो दो पिलो जो भी आपको लगते हैं वो लगा सकते हैं, और थोड़ा सा इस तरह से यूं इस तरह से थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये देखिए इससे आपको ब्रीथिंग में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और साथ ही जो है आप थोड़ी थोड़ी देर में अपना पोस्चर चेंज करते रहिए, कभी थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाइए, कभी जो है इस तरह से आप बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो तो मैंने आपको जो है बेड पे बैठना बताया था, पर अगर जैसे कोई सामान नीचे पड़ा है, जैसे कि ये देखिए बच्चे होते हैं घर में, या हमसे भी कई बार कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो आपको कैसे जो है इस तरह से, मतलब जैसे हम आगे झुक के उठा लेते हैं ना नॉर्मली, जैसे हम ऐसे उठाते हैं, वो आपको नहीं उठाना है, बिल्कुल भी आगे ट्विस्ट नहीं होना है। और आपको कैसे जो है नीचे बैठना है, या आपके नीचे बैठने का वैसे भी काम है, कोई काम आपको ऐसा है कि आप कहीं गए हैं कि वहां पे कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, आपको नीचे बैठना ही पड़ेगा, तो आपको कैसे बैठना है देखिए। आप जो है इस तरह से स्क्वाट पोजीशन में आपको जो है बैठना है,
इस तरह से, और आपका जो वजन है उसको आप अधिकतर जो है अगर आप पे होता है तो आप पंजे पे ही रखिए, उससे क्या है आपको अच्छे से बैलेंस रहेगा, इस तरह से आप अपने सामान को उठा सकते हैं। अब आप सोचेंगे उठना कैसे है, अब आप कैसे उठेंगे क्योंकि सामान भी आपके पास है एक हाथ में, तो आप ऐसे कीजिए कि एक हाथ को इधर रखिए, या तो अगर आपके साथ पास में कोई सामान रखा है, कोई भी ऐसी चीजें जिसे आप पकड़ के उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कोई वॉल है उसको पकड़ के आप उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप एक हाथ को इधर रखिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को उधर हाथ के साइड मोड़िए या झुकाइए हल्का सा, और इस हाथ को हमें क्या करना है प्रेशर देना है धरती पर इस तरह से, और फिर जो है इस तरह से आप उठ जाइए। और अगर आपको जमीन पे बैठना है तो वो कैसे बैठना है, ऐसे ही अपने हाथों को ऐसे रखिए, पैरों को खोल लीजिए, पैरों को जो है बिल्कुल ऐसे चिपका के नहीं रखना है, पैरों को आराम से आप खोल लीजिए, और फिर जो है स्क्वाट पोजिशन में हम इस तरह से बैठ जाएंगे। फिर आपको अगेन जो है हाथ को साइड में रखना है और इस तरह से बिल्कुल धीरे से बैठ जाना है, और आप चाहें तो आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं इस तरह से, जो हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग बैठते हैं उस तरह से, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और पैरों को जो है थोड़ा सा खोल के रखिए जिससे कि आपका टमी ना भीचे और आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से आप बैठ सकते हैं, या आप चाहें तो मैंने जैसा आपको पहले बताया बेड पे इस तरह से भी आप बटरफ्लाई आसन में भी आप बैठ सकते हैं, और उठना वैसे ही है, आप चाहें तो इस तरह से जैसे अगर कोई दीवार है तो मैं दीवार का हाथ लगा लूंगी, नहीं तो एक हाथ आपने यहाँ रखा और एक हाथ रखा अपने नी पे, एक नी पे रख लीजिए, एक यहाँ रखा, और फिर अगेन हमें पुश करना है इस वाले हाथ को धरती को, और फिर से इस पोजिशन में आ जाना है और आराम से उठ जाना है। अब हम करते हैं राइट पोस्चर में चलने की बात कि किस तरह से हमें चलना चाहिए, तो देखिए टमी जो है हमारा निकल जाता है, सभी महिलाओं का प्रेगनेंसी में निकलता ही ऑब्वियसली है, तो कुछ महिलाएं जो हैं इस तरह से चलती हैं, तो आपको जो है ये देखिए मेरा जो ये तरीका है ना ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से आपको नहीं चलना है, आपको जो है आपकी ये बैक बोन है उसको स्ट्रेट रखना है, और आपके जो कंधे हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट रखना है, और पैरों को थोड़ा सा खोल के, और हाथों को इस तरह से, इसको बोलते हैं पेंगुइन वॉक, इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से स्ट्रेट हो के आपको चलना है वो। आप चाहें तो इस तरह से अपने टमी को हाथ लगा के चल सकते हैं, और अगर आप चाहें आपको बैक में तो इस तरह से बैक पे हाथ लगाकर भी आप जो है वॉक कर सकते हैं, पर आपको जो है बिल्कुल भी अपनी ये वाला जो हिस्सा है उसको इस तरह से करके नहीं चलना है, मतलब ऐसे झुका के कि आप ऐसे पेट को आगे निकाल लें, और इस तरह से चलती हैं महिलाएं तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं चलना है, बिल्कुल आपका टमी ऑटोमेटिक बाहर निकला हुआ है, आपको बैकबोन जो है आपकी स्ट्रेट रखनी है, कंधों को थोड़ा सा ऐसे पीछे रखना है जिससे आपका जो है बैलेंस अच्छे से बना रहे, और पैरों को थोड़ा सा खोल के आराम से जो है वॉक करनी है। तो फ्रेंड्स मैं प्रेगनेंसी में इसी तरह से राइट तरीके से चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, तो आज का जो ये ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, और आप भी जो है अब तक अगर जो गलती करते आए हैं वो इस वीडियो को देख के नहीं करेंगे। पसंद आया हो आज का ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर होंगी आप लोगों से ऐसे ही एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।